हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ PYQ सॉल्यूशंस के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई द फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेक्शन डेल्टा टीएफ 0.4 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज नियरली ट्वाइस देन दैट ऑफ 0.4 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके 2017 में आया है। इसको समझने के लिए ऐसे देखेंगे, डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, यानी कि मोल्स पे, जितने डिजॉल्व मोल्स है उसमें, इस पर डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे, सॉरी। अब जब इसमें 0.4 मोल्स हम डिजोल्व करेंगे पानी में, ये डिसोशिएट होकर NaCl, Na प्लस और Cl माइनस में हो जाएगा। शुरुआत में हमने मोल्स लिए थे 0.4, डिजोल्व होने के बाद 0.4 मोल्स Na बन गए और 0.4 मोल्स Cl बन गए। हमने स्टार्ट किया था 0.4 मोल्स से, डिजोल्व होने के बाद 0.4 प्लस 0.4 यानी कि 0.8 मोल्स बन गए। 0.4 प्लस 0.4 इक्वल टू 0.8 मोल्स बन गए। मोल्स डबल होने की वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डबल हो जाता है, क्योंकि ये इक्वेशन में मालूम है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम। एम बढ़ा यानी कि मोल्स बढ़े या मोलैलिटी बढ़ी, तो डेल्टा टीएफ भी बढ़ गया। इस वजह से मोलैलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से टीएफ इंक्रीज कर जाता है। ग्लूकोज सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें न तो वो एसोसिएशन होता है न तो डिसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट जैसा होना चाहिए वैसा ही रहता है। स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.025 ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अज्यूमिंग दैट K2SO4 इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। बाकी K2SO4 का वेट दे रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका 2018 में है। सबसे पहले इसमें जो कुछ दे रखा है उसको नोट डाउन कर लेंगे। वेट ऑफ K2SO4 है 0.025 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ वाटर है 2 लीटर्स, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको कन्वर्ट करेंगे हम केल्विन में, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2SO4 हमें दे रखा है 174। अब हमें मालूम है K2SO4 एक आयनिक कंपाउंड है, तो वो डिसोशिएट करेगा, और ये भी कहा गया कि 100% डिसोशिएटेड मानेंगे। तो K2SO4 का डिसोशिएशन लिख लेते हैं, K2SO4 इट विल डिसोशिएट इनटू 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। शुरुआत में हमने इसका एक मोल लिया, तो इसके 0 थे, डिसोशिएट होने के बाद ये 0 हो गया और ये 2 और ये 1, तो I हमारा निकल आएगा I इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3। अब हम इक्वेशन में यूज करेंगे पाई V इज इक्वल टू I टाइम्स एन आर टी। ये हमें दिखाता है पाई इनटू वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे 2 इज इक्वल टू I की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू मोल्स रखेंगे 0.025 अपॉन 174 इंटू 298 इंटू 0.0821 आर की वैल्यू रखेंगे। इन सबको जब सॉल्व करेंगे पाई आ जाएगा हमारा, पाई इज इक्वल टू बल्कि न्यू करेंगे 2 पाई इज इक्वल टू 0.0105। दिस इंप्लाइज दैट पाई इज इक्वल टू 0.0105 अपॉन 2, जो कि आ जाएगा 0.0052 एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, अब तीसरा क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.8 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज माइनस का 3.348 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर I फॉर दिस सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। इसमें जो दे रखा है सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेंगे। वेट ऑफ NaCl दे रखा है 55.85 ग्राम, वेट ऑफ वाटर दे रखा है 100 ग्राम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है माइनस का 3.348 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हमें मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 0 माइनस माइनस 3.348, जो कि आ जाएगा 3.348। एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लेंगे, जो हो जाएगा 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5। आई का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू नॉर्मल, दैट इज एक्चुअल मॉलिकुलर वेट अपॉन एबनॉर्मल यानी कि ऑब्जर्व मॉलिकुलर वेट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू I टाइम्स 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू
कैपिटल डब्ल्यू वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ हमें दे रखा है 3.348, बल्कि हमने कैलकुलेट कर रखा है इज इक्वल टू आई टाइम्स 1000 इंटू 1.86 इंटू 5.85 अपॉन 58.5 इंटू 100। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3.348 इज इक्वल टू आई इंटू 1.86, तो आई हमारा आ जाएगा 3.348 अपॉन 1.86 इज इक्वल टू 1.80। 1.8 इज इक्वल टू 58.5 अपॉन एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 58.5 अपॉन 1.8, जो कि आ जाएगा आपका 32.5।